हेलो माय गुड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी तो मैं कुछ प्लास्टिक का सामान है, पता नहीं क्या था, बड़े अजीब तरीके से बोल रहा था कि पछताओगे, ये करोगे। देखिए बारिश हो रही थी तब भी नहीं अच्छा लग रहा था, धूप हो रही तब भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं आ गई हूँ छत पे और अभी मैं जल चढ़ाऊंगी। तो मेरा यहाँ पर गुड़हल का फूल देख लीजिए किस तरह से अच्छे से खिला हुआ है। हस्बैंड वहाँ पर जल चढ़ाए हैं और जो फ्लावर वो नीचे पता नहीं चिड़िया गिरा देती है कि अपने आप हवा से उड़ जाता है। और मैं ले लेती हूँ जल। मैं सुबह आई थी यहाँ पे और मैंने किया था एक्सरसाइज और यहाँ पे रखा है चावल और रोली, तो मुझे ये भी ले जाना है। धूप बहुत कड़ाके की है, कनेल भी खिला हुआ है और गुड़हल भी खिला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे ना मतलब, और मैंने अपने शंकर जी के लिए क्या बनवाया है वो मैं तो आपको दिखा ही देती हूँ लाइव वगैरह में, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। मैंने अपने शंकर जी के लिए बनवाया है चौकी और मैं वहाँ से लेके आती हूँ रोल। तो मैंने ले लिया अक्षत और रोली। तो चलिए हम पहले ना भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। और गुड़हल मेरा ज़्यादा खिलता है तो इसलिए मैं भगवान जी को एक गुड़हल तक चढ़ा ही सकती हूँ। यहाँ पे हस्बैंड चढ़ाते हैं और मैंने यहाँ पे थोड़ा एक गुड़हल ऐसा है कि ये क्या है ना, रुकता नहीं है, टूट सूख जाता है। अगर इसको चाहो तो आप कि हाँ ये रुक जाए और इस अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये शाम तक सूख के गिर जाएगा। और मैं यहाँ पर तोड़ रही हूँ समी का पत्ता शंकर जी को चढ़ाने के लिए। समी का पत्ता चढ़ता है ना, एक पत्ता मैंने थोड़ा वो साथ नीचे गिर गया, तो मैक्सिमम मैं 3 पत्ते या 6 पत्ते लेती हूँ क्योंकि कहते हैं ना शंकर जी को। तो मैंने यहाँ लोटे में जल लिया है और समी पत्ता। तो पहले मैं सबसे पहले भगवान जी को करूँगी स्नान। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। और मैंने भगवान जी का स्नान किया, फिर मैंने चढ़ाया समी का पत्ता और उसके बाद यहाँ पे हमने गुड़हल का फूल चढ़ा दिया। और अब हम चले टीका लगा देते हैं भगवान जी को। और जो हस्बैंड यहाँ फूल चढ़ाए थे ना वो गिर गया था, तो उसको भी हम यहाँ पे ऐसे रख देंगे, साथ चिड़िया वड़िया गिरा देती हैं। और यहाँ पे हम अक्षत भी चढ़ा देंगे चावल, मतलब। तो जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। कुछ लोग कहते हैं जल में डाल देते हैं तो वो जूठा हो जाता है जल, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने लिया रोली ये, तो चलिए मैं भगवान जी को टीका लगा देती हूँ। जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। तो हमारा यहाँ पे भगवान जी का हो गया टीका। और फिर मैं इसको माथ में लगा लेती हूँ और फिर पूजा करती हूँ स्टार्ट। और यहाँ पे देख लीजिए मेरा इतना पूजा हो गया है और बाकी पूजा तो आप लोग दूर से देखो, ठीक।
बाकी जो पूजा है वो आप लोग दूर से देख लो। तो इसमें थोड़ी सी आवाज़ नहीं जाएगी क्योंकि मैं करूँगी ध्यान से पूजा। जैसा कि हमने बोला था कि हम पूजा करेंगे तो आप लोगों से बात नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लॉग शेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो रोली वगैरह लिया था तो चलिए जगह पे इसको यहाँ पे रख देती हूँ, जंगले के पास रख देती हूँ। और यहाँ पे मेरा नल है जो कि पहले बहुत दिक्कत झेलना पड़ा जब प्लम्बर भैया नल बंद कर दिए थे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए कि इतना मतलब ये गुड़हल तो बहुत ही अच्छा फूल देता है लेकिन कीड़ा साथ में रहता है, बहुत कीड़े आते हैं, सफ़ेद सफ़ेद कीड़े। इसके अगर आप छुड़ाते रहोगे तब तो ठीक है। कि अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए अब इस कीड़े को हम छुड़ाएंगे तब तो सही है, तब ये ग्रो करने देगा। पूरे फूल को ना ये जैसे कवर करके रख देता है। तो दो फूल हमने निकाल लिया है और यहाँ पे हम डालेंगे अमावट। और तो मैंने कुछ लेके नहीं आई हूँ,